एफसी गाजर वाला बड़ा इच्छुक रहे इंजीनियर बिहारपुर नवा में पंजाब में अंदर 7 नंबर और 9 नंबर देवघर है। दोनों टीम को ही मोटिवेट करना चाहती हूँ कि सपोर्ट कोच की कारण कि आपका जानी ना आपने जब तुम कॉमेंट किया तो ताई शेख ने अभी कोई एक टीम की सपोर्ट करते पारी ना मिली जेब को नीचे में तो हमें दोनों टीम की सपोर्ट कोच की जी भालो को भी अभी ताते हैं मतलब हमें ताते की सपोर्ट कोड को जाइए तो अगर दोनों टीम में असाधारण खेले जगह तक पहुंचे चाहिए हमें देखते पे चाहिए ना कि अनेक भालो भालो टीम के हारी है तो नीचे जगह को नीचे फाइनल यार फाइनल है 3 लाख टका 2 लाख टका প্রাইজ মানি তাদের যেটা নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেছে আর এই তো সবে শুরু হয়েছে তাদের ফার্স্ট হাফের কয়েকটা সেকেন্ড আর তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের অনেক এনার্জি নিয়ে অনেক জোশ নিয়ে অনেক পরিশ্রম করছে কারণ কি তারা চায় না যে এক মুহূর্ত একটা সেকেন্ডও ব্যর্থ হোক দেখতেই পাচ্ছি যে প্রথম থেকে কিন্তু তারা অফুরন্ত অফুরন্ত মেজাজে মানে অত্যন্ত আনন্দের সাথে পরিশ্রমের সাথে আজকের এই দিনটা ওদের ভালো কাটুক বা এই ম্যাচটা ভালো কাটুক সেই প্রয়াসই করে চলেছে দেখতে পাচ্ছি আমরা পায়ে পায়ে বল এগিয়ে যাচ্ছি মহেশপুর না আমাদের গাজল মালদা দুটো টিম অসাধারণ প্লেয়ার নিয়ে দুটো টিম গড়ে উঠেছে সত্যি ট্যালেন্ট করেছে बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस टूर्नामेंट के चार भैरव कलब गोकुलपुर पार्कुर एनुअल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए 3 रात जिसने इस ग्राउंड में अपना समय दिया है यहाँ के मैनेजमेंट के लिए हमारे स्थानीय पंचायत शहरपुर पंचायत के मुखिया साहब विकास गौर जी हमारे इस टूर्नामेंट के व्यवस्थापक की ओर से 1000 फर्स्ट गोल के लिए प्राइज मनी बढ़ता हुआ मैंने पहले ही कहा था आज आसमान से बारिश नहीं होगी बल्कि प्राइज मनी की बौछार होगी। मैं तो मजाक कर रहा था मुझे 2600 कन्फर्म था लेकिन आप यहाँ खमोश है इसलिए आपसे भी सहयोग चाहूंगा। हमारे जो सहयोगी कमेंटेटर जो अंग्रेजी के एक जयंत शबरम जी जो कि कमेंट्री क्षेत्र में बड़े मैच में पहली बार यहाँ आए हैं शुरुआती दिन से काफी नर्वस लग रहे थे लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाया और यहाँ क्या गोल होगा चीकू गोल उन्होंने बंद हो तुम महेशपुर लेकिन तो क्या बेहतरीन यहाँ पर से निकाला है बहुत ही शानदार बच्चा इधर शानदार बच्चा उन्होंने बंगाल रैन गोलकीपर तारीफ करने लायक हमारी टीम रंगेल खाट गोलकीपर कल्याण हस्ता बहुत ही सुंदर बचाव किया है। ये 23वां गोल के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं अभी 2022 में 22 मैदानी गोलों पर ही अटके हुए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से गोल होगा कि नहीं यहाँ क्या इस फाइनल मैच में 23वां गोल क्योंकि अब नया साल भी आने वाला है 23 तो गोल पूरा होना चाहिए लेकिन फील्ड गोल अभी 22 मात्र हुआ है और अभी इस मुकाबले का क्या रिजल्ट होगा तो समय बताएगा लेकिन टीम चला रहे होगा घमासान गति शिमला और फ्लिप चला रहे शानदार कॉम्बिनेशन बना के 2 नंबर और 3 नंबर है तो फ्लिप है फिलिप तो बॉलिंग में फील रहे बेहतरीन पास उड़े सुखे गति लगी जैक्सन टैगोर जैक्सन बॉल को कब्जे में करने के बाद साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं काफी तेज गति से बढ़ने की कोशिश गुड ड्रिबलिंग बहुत ही सुंदर दो खिलाड़ी को वहां पर अनमान खिलाड़ी वहां पर है ये तो जीतने की कोशिश पूरी तरह से पहले ही डिफेंस लाइन में जगह को कवर किए हुए थे बहुत ही सुंदर मैनेजमेंट यहाँ पर जो किया गया है मैं समझता हूँ इस टीम में मैन ऑफ द सीरीज में मेरे ख्याल से और हमारे जो इस क्लब के सभी जजेज का अगर फाइनल मैच में भी अगर क्या दिखाते हैं वैसे तो मैं समझता हूँ कि जर्सी नंबर 8 जो कि ब्लू कलर के जर्सी पहने हुए कलीन हस्ता वो वन मैन आर्मी की तरह उसने अपने टीम को फाइनल तक पहुंचाया है जिस तरह से वो ड्राइवर कर में हर ड्राइवर कर में उसका बचाव के चलते ही महेशपुर की टीम अभी फाइनल तक का जगह को सुरक्षित कर पाए थे करीब हस्ता 8 नंबर खास नजर
इन बिजों का बोले ओए दो राय बनवा जब तो हट को करता टीम मौज में आया बनते जितो उच्च उनका भगवान मैं आदमी की तरह अभी हमारे बीच में इस समय मेरे भूतुल्य और हमेशा ही मैं उन्हें अपने गार्डियन की तरह मानता हूँ हमारे एक्स फुटबॉलर फुटबॉल के कोच रहे हैं जिस हमारे झारखंड के प्रियंस किसको जी जो कि हमारे बीच इस समय मंच पर आ चुके हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और उनका बहुत बड़ा योगदान है कि असलम जी को यहाँ तक लाने में क्योंकि दुमका में असलम जी हमारे ब्रह्मचर्य सर के यहाँ ही रुके हुए थे और बहुत कॉपरेट किया है और बड़ी खुशी दिया करता उन्होंने आपका रोक लाइन नकल तो बांग लाइन नकल तो है ना कि ये यहाँ पर हमारे बीच में सब देसी बॉय है सुदीप मिश्रा और जीवन हेब्रम अपने समय के लेजेंड अविभाजित जो उस समय बिहार रीजन में अपने देश के लिए ऑल इंडिया खेलकर बहुत नाम रोशन किए हैं अपने समय के लेजेंड हमारे बीच प्रियंका सर सुदीप सर जीवन सर वो इस समय मंच पर विराजमान है मैं चाहूंगा ऑपरेटर से भी बहुत अच्छा आपने यहाँ का सब यहाँ का एक सिस्टम को बनाए हैं आप धीरे धीरे लाइट का भी आप लोग चेक कर लीजिएगा जगह यहाँ पर था और इस वक्त हम लोग चार भैरव क्लब की तरफ से एक सुंदर सी कमेंट्री के लिए और इस टूर्नामेंट में बहुमूल्य समय देने के लिए तन मन धन सारे दृष्टिकोण से सहयोग करने के लिए श्री तुषार जी श्री जेम्स जी और शिखा मैडम हम लोगों ने भूल समिति की तरफ से इन सभी को प्रोत्साहन के लिए निर्णय लिए हैं और मैं चाहूंगा भूल समिति के हमारे जितने सक्रिय सदस्य हैं कृपया आप लोग उसमें मैं भी हूँ हम लोग सभी जो इतने सुंदर से कॉमेंट्री किए हैं तुषार जी जेम्स जी और उनके द्वारा जी इन सभी को हम लोग अपने हाथों से पुरस्कृत करेंगे कृपया आइए और तारीफ की जाए कम होगी तुषार जी को गिफ्ट करेंगे समिति की तरफ से बहुत अच्छी कमेंट्री है इन्होंने इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं हमारे जॉन जी बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं अनुरोध करूंगा जेम्स जी आपने भी इंग्लिश में बहुत अच्छी कमेंट्री की है कृपया आप भी सामने आइए हमारे भूल समिति पाकों की तरफ से किया है आपको हमारे चामर क्लब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहूंगा साहेब का हमारे सक्रिय सदस्य भूल समिति के आप अपने हाथों से इनको पुरस्कृत करेंगे साहेब का तालियां हो जाए बहुत अच्छी कमेंट्री के लिए जेम्स खड़ा हो बोल और बिना आप भी आइए आप भी बहुत अच्छी इतनी सुरीली आवाज में इतनी अच्छी इतनी बढ़िया तरीके से कमेंट्री की हिंदी में अंग्रेजी में आपका बंगाली में बहुत ही उत्साहवर्धक एकदम आश्चर्यचकित हो गए आप आदिवासी से बिलोंग करते लेकिन आपके मुंह में इतना मिठास वाकई काबिले तारीफ और सबका मन को मोह लेने वाली आवाज आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे बीच आए इसके लिए
सम्मानित करते ताले होना चाहिए। बहुत ही सुंदर सीतामंडी जी संथाली रेडियो जोकी एक आदिवासी के ऊपर गर्व होता है कि हमारे बीच आए भी है। हमारे कलीम जी ये भी बहुत शुरू से ही बहुत ही फैन से आप सभी के आपको हर हर कमेंट्री के लिए इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इस बार भी इन्होंने अच्छा सा तोहफा आपके लिए खासकर तुषार जी आपसे काफी प्रभावित हुए हैं। कलीम जी उन्होंने भी खुश होकर आपको प्रोत्साहन करने के लिए आप सभी को प्रोत्साहन करने के लिए अपने तरफ से गिफ्ट लेकर आए हैं। वो अपने ही हाथों से करूंगा तुषार जी को गिफ्ट करेंगे। जितनी तारीफ की जाए करूंगा की कम होगी। उन्होंने इस चीज को फोकस किया कमेंट्री को लोग बेस्ट प्लेयर बेस्ट टूर्नामेंट और लड़ाई बहुत सुंदर शॉट और यहाँ जेल सीख भी सम्मानित किया है। निश्चित रूप से मैं टी स्टॉल में बहुत बराबर मैं चाय पीता हूँ जब भी मौका मिलता है और हमेशा से ही उसके चाय खाने के भाव से मैं समझता हूँ। हर जगह मैंने घूमा है चाय का जो दुकान है टी स्टॉल है वो कहीं दुनिया में मिला नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे क्लीन बैली को बहुत बहुत धन्यवाद। शहर को और किसी ऑफिस के पास जरूर एक बार आप जाए और कलीम करके आप तो बने हुए चाय को आप किसी रूप से एक बार चूज के लीजिए। आप पूरे दुनिया में आप नाम करेंगे कलीम का जरूर की ताले होना चाहिए कलीम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार फिर से गुजारिश करूंगा जो गैलरी में बैठे हुए सभी दर्शकों से गैलरी से होकर के लाइट का जो तार है वो गया हुआ है बिजली तार गई हुई है कृपया करके उसको आप लोग छुएंगे नहीं तो करंट लग सकता है। ना देखिए ना चिंता में बिना बिना दया करते उनका तार चलाओ करा वो ना आप बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर हमारे एसडीपीओ साहब अजीत कुमार विमल सर हमेशा ही वो इस ग्राउंड में जब जब पार्टी है आपके लिए तो सबसे खुशी की बात यह है कि जब प्रशासनिक लोग आपके लिए इतना समय दें आपके मंच में इससे बड़ा कोई मौका नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ इस मंच पर मौजूद सभी हमारे सम्मानित अतिथि के लिए तालियां देना होना चाहिए। जो लोग हमारे डीडीसी साहब हमारे एसडीओ साहब साथ ही साथ डीएसपी हेडक्वार्टर साथ ही साथ खेल कूद पदाधिकारी पाकुर साथ ही साथ सभी सभी हमारे सीनियर मेम्बर पिंटू जी साथ ही साथ राजीव पांडे सर और बहुत सारे सम्मानित हमारे अतिथिगण शायद मैं जिनको नाम से संबोधित नहीं भी कर पा रहा हूँ लेकिन आपका यहाँ रहना ही आपके यहाँ आने से निश्चित रूप से टूर्नामेंट का जो स्टैंडर्ड है बहुत हद तक बढ़ गया है। बहुत सारे हमारे जो आज शिक्षक के पद पर कार्यरत तो पुलिस के कामों में वो सेवाएं दे रहे हैं बहुत सारे मेम्बर साथ ही साथ मुखिया सर बहुत सारे सम्मानित बुद्धिजीवीगण वहां स्टेज में मौजूद हैं और यहां पर पूरी जोर पर किचन एरिया में उस स्टेज पे हमारे भगवान समिति जो कि चांद भैरव क्लब के अभी अंग हैं
हमारे बगान समिति के मेम्बर्स वहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट जो इस चांद भैरव क्लब गोकुलपुर बापू के सरजमी पर इतना बड़ा सुंदर टूर्नामेंट इतने भव्य तरीके से आयोजन होना मामूली बात नहीं है। इतने बड़े टूर्नामेंट का हम लोग देखते हैं, इन सभी चीजों में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी इसमें कमियां भी होती हैं, बहुत सारे लोगों की गालियां भी सुनना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि जब कोई बड़ा आयोजन होता है उसमें सभी की ये